हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। जैसे आपने थंबनेल लिख लिया, तो आज हम बात करेंगे ग्रेड सी एसएससी स्टेनो ग्रेड सी के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं और कौन से डिपार्टमेंट आपको लेने हैं अपने हिसाब से। जितने आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट लेने होते हैं, तो कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा इस बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ग्रेड सी में जो दो स्टेनो में दो पोस्ट होती है, ग्रेड सी और ग्रेड डी, तो दोनों की अलग अलग कट ऑफ थी, कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेड पे मैं आपको बता दूं कि ग्रेड सी के अंदर दो ग्रेड पे होते हैं, 4600 और 4200 का, ठीक है। और सैलरी आपकी जो सेवन पैक के कम आफ्टर सेवन पे जो सैलरी हुई है आपकी 60,000 अप्रॉक्स आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में, ग्रेड सी के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये डिपार्टमेंट का नाम है और ये जनरल कैटेगरी है, ये एस सी एस टी, ठीक है। ये अभी ध्यान नहीं देना क्योंकि ये 2017 की वैकेंसी है, तो इस पर फिलहाल आपको अभी ध्यान नहीं देना है। हम डिपार्टमेंट के आते हो तो सबसे पहले डिपार्टमेंट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और ये 4600 ग्रेड पे के अंदर आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। और सेकेंड है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन भी 4600 ग्रेड पे के अंदर आता है। और जो थर्ड नंबर पे आता है एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। ये स्टेनो में ग्रेड सी पे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स पे जो डिपार्टमेंट मिलता है ये वाला होता है एक्सटर्नल अफेयर्स वाला, ठीक है। और ये भी 4600 के अंदर आता है। इसके बाद है डिफेंस का होता है, डिफेंस के अंदर CA होता है, AFQ आता है, ठीक है। और ये भी आपका 4600 के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद कस्टम एक्सरसाइज और कस्टम एक्सरसाइज सर्विस एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट होता है ट्राइब्यूनल के लिए, और ये भी ये 4200 ग्रेड पे के अंदर आता है लेकिन सी में आता है, ठीक है। और उसके बाद होता है फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, यानी होम अफेयर्स वाले जो डिपार्टमेंट होता है, ये भी 4200 के अंदर आता है, ठीक है। तो 4600 ग्रेड पे के अंदर आपको चार डिपार्टमेंट मिलते हैं, एक होता है विजिलेंस, दूसरा इलेक्शन कमीशन, तीसरा एक्सटर्नल अफेयर्स और चौथा है डिफेंस का, ठीक है। और 4200 के अंदर आपको दो मिलते हैं, एक होता है एक्सरसाइज कस्टम एक्सरसाइज या सर्विस टैक्स, और दूसरा होता है फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट है टोटल आपको 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिपार्टमेंट होते हैं जो ग्रेड सी के अंदर आपको आते हैं। और यहाँ पे ग्रेड पे भी अलग अलग है 4200 और 4600। अब आपको बात करते हैं कि इसके अलावा दो और डिपार्टमेंट होते हैं 4200 के अंदर, ठीक है। 4600 ग्रेड पे वाले चार डिपार्टमेंट ऊपर थे और 4200 वाले चार डिपार्टमेंट नीचे हैं। तो दो डिपार्टमेंट मैंने 4200 वाले हैं, एक तो कस्टम एक्सरसाइज और सर्विस टैक्स, ठीक है, दूसरा है फॉरेंसिक साइंस, तीसरा है वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये भी 4200 के अंदर आता है। और फोर्थ वाला है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाला, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, ये भी 4200 के आता है। तो टोटल आपके पास जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, टोटल जो आपके पास डिपार्टमेंट आ गए, टोटल डिपार्टमेंट आपके पास 8 आ गए, तो उस 8 डिपार्टमेंट में 4600 ग्रेड पे वाले आपके 4 हो गए और 4200 ग्रेड पे वाले आपके 4 हो गए, यानी ग्रेड सी में टोटल डिपार्टमेंट आ गए 8 डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ हुआ था 2017 का, 2018 की जो कट ऑफ गई थी स्टेनो की, ये जनरल कैटेगरी के ग्रेड सी में 141 है और डी में जो है 134 का, ठीक है। बाकी एस सी का ये रहा 127, ये ग्रेड सी वाले ये रहे, कैटेगरी वाइज आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस साल की जो कट ऑफ आप ले सकते हो एक्सपेक्टेड, तो 141 आपको लाने पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। 141 आप लेके चलिए कि 141 से आपको ज़्यादा नंबर लाने जनरल कैटेगरी वाली, बाकी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि लास्ट ईयर में जो वैकेंसी आई थी वो कितनी आई थी। तो ग्रेड डी में वैकेंसी थी 1276 और ग्रेड सी में थी 429, यानी टोटल जो वैकेंसी थी 1705 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, ठीक है, 2017 वाले में, 2018 में, 2018 वाले में से, ठीक है। तो यहाँ पे 2017 वाले में ये यहाँ पे जैसे दिख रहा है 1705, ये 2018 के ही है, ठीक है। इसमें भी सेम उतनी ही थी 1600 या 1700 वैकेंसी भी हमारी 2018, तो इस बार भी आप वैकेंसी कह सकते हो कि 1500 से ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मैंने ग्रेड सी में डिपार्टमेंट बताए थे उनमें कितने नंबर यहाँ पे 2017 में थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, जो 168 वाले भी हैं, दो 168 जिनकी जनरल की 168 गई थी कट ऑफ, ये 9 कोड जनरल का है, बाकी आप कोड यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो 167 168 154 131 मिनिमम गई है, बट यहाँ पे जनरल का कोई नहीं है। तो जनरल की जो मिनिमम गई है आप देख सकते हैं, जनरल की मिनिमम है
66 पे, यहाँ पे 166 पे जनरल कैटेगरी को क्या मिला था, ग्रेड सी में नंबर आया था, ठीक है। ये 2017 का है, तो 2018 का भी रिजल्ट नहीं आया, तो जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, स्टेनो के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेनो जो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ग्रेड सी डिपार्टमेंट में मिलता है तो काफ़ी अच्छा है, ग्रेड डी मिलता है तो भी सही है आपको। नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करके आप ग्रेड सी नंबर डिपार्टमेंट में आप आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो देखिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।